सिर्फ हमें बेइज्जत होकर को बेइज्जत करने के लिए भेजना चाहते हैं, अब चाहते हैं कि हमारे ऑनरेबल मुखला कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट केसेस में जाके आम कॉमन ट्रिब्यूनल की तरह सबमिट करें, सरेंडर करें पुलिस के सामने, किस कानून के मुताबिक, किस आइन के मुताबिक आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आप समझते हैं कि इससे आपकी इज्जत में इजाफा हो जाएगा। ये सिर्फ तकब्बर और गुरूर की एक निशानी है। आपने तकब्बर और गुरूर के तहत मुखला को कमतर और अपने से हकीर समझते हुए इस किस्म का ऑर्डर सुनाया है। हम रिजेक्ट करते हैं इस ऑर्डर के दायरे में रहते हुए हम तवक्को करते हैं कि आप ये इलीगल ऑर्डर जिसमें कहा गया है कि पुलिस के सामने हमारे ऑनरेबल मेंबर को कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स में सबमिट किया जाए, क्योंकि कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स प्राइमरीली कंटेंप्टर और कोर्ट के दरमियान होती, पुलिस का उससे कोई ताल्लुक नहीं, उसको आप फिर फौज खुद वापस लें और अपील को हेयरिंग के लिए ऑन मेरिट डिविजन बेंच के सामने फिक्स करें। कोई ऑब्जेक्शन हमें इस किस्म के ऑब्जेक्शन फ्रिवलस नहीं कबूल, इसको पेश करें, लेकिन उस डीबी के सामने नहीं जिसमें वो जज बैठे हुए थे जो इस किस्म का ऑर्डर पास किया, जिन्होंने जिससे वकीलों की इज्जत वकार और गैरत मजरूह हुई है। इसलिए किसी हकीकत में ऐसी डीबी के सामने ये केस पेश होना चाहिए। हम कानूनी रास्ता ही चाहते हैं, आप कानून के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं इस किस्म के ऑब्जेक्शंस करके। लिहाजा कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी डिमांड में कोई चीज भी आईन और कानून से मुनाफी है। लिहाजा हम ये